अब हम लर्न करेंगे कि हैच पैटर्न, प्रॉपर्टीज और ग्रेडियंट कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम यहां से हैच कमांड लेंगे एंड सेलेक्ट द पैटर्न, कौन सा पैटर्न मुझे यूज करना है, जो भी पैटर्न मुझे यूज करना मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने एंगल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट दिस वन, यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा NSI 31, NSI 32। ऐसे हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं, जो भी पैटर्न मुझे यूज करना है, लाइक दिस। काफी सारे पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास, अर्थ डॉट्स, यहां से हम पैटर्न अपने सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट यही ले लेता हूँ, NSI 31। अब मुझे इसका पैटर्न का अगर कलर चेंज करना है, मैं यहां से कलर चेंज कर सकता हूँ, येलो लेना है दिस वन। और इन केस मुझे बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ लाइक दिस। या फिर मुझे कलर नहीं लेना है, उसके बाद अगर मुझे कलर लेना है कोई भी, मैं कलर यहां से सिलेक्ट करूंगा, बैकग्राउंड में कलर हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, अगर मुझे हैचिंग की ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है, मैं ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूँ। एंगल अगर मुझे चेंज करना है लाइक दिस, अभी काफी स्केल कम है, अगर मुझे स्केल इंक्रीज करना है मैं स्केल इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। देन एंगल, उसके बाद है हमारे पास, दोबारा से मैं हैचिंग कमांड लेता हूं एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, वही पैटर्न हमारे पास आ रहा है। हम पैटर्न की बजाय अब यहां से ग्रेडियंट अगर करना चाहे, ग्रेडियंट में यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं ड्रॉ में जाके यहां से ग्रेडियंट कमांड को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर रिबन के अंदर ड्रॉ पैनल में हम यहां से हैचिंग के नीचे ग्रेडियंट कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी मैं ग्रेडियंट ले सकता हूं। देन क्लिक इन साइट, और यहां से मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूं, इनके कलर में चेंज कर सकता हूं लाइक दिस। पैटर्न में यहां से चेंज कर सकता हूं किस तरह का पैटर्न मुझे यूज करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है मेरे हमारे पास यहां पे अवेलेबल लाइक दिस। ये पैटर्न हम यहां से यूज कर सकते हैं। सेम थिंग, मैं ट्रांसपेरेंसी मुझे करना है, एंगल मुझे चेंज करना है, प्रिंट मुझे करना है लाइक दिस, या फिर मुझे कलर ही सेकंड वाला कलर मुझे देना है लाइक दिस। इसके बाद है हमारे पास सॉलिड, अगर मुझे सॉलिड करना है, यहाँ पे हमारा सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड के अंदर सिर्फ एक सिंगल कलर हमारे पास आएगा, वो सिंगल कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड सेट द ट्रांसपेरेंसी लाइक दिस वन। तो यहाँ से हम ये ऑब्जेक्ट को सॉलिड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पैटर्न, प्रॉपर्टीज, ग्रेडियंट और सॉलिड कमांड को यूज कर सकते हैं।